हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो साइगुड़ा हम जानेंगे कैसे हम अपना खुद का एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और उस एप्लीकेशन के कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपके ऐप बनाना, और इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा उस ऐप को कैसे मोनेटाइजेशन करना है और उस ऐप से कैसे आपको पैसा कमाना है। आज मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे एक ऐप बना लेना है, और नेक्स्ट वाला ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसमें एडसेंस का या फिर एडमोब का जो अभी आप कह लो उसके कैसे आप ऐड को डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो चलते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर चले जाइए। उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों andromodo.com। यहाँ पर आना है आपको, ऐसा ऐसे सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ यहाँ दिया गया आपको। अब क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट फ्री अकाउंट पर हम क्लिक कर देते हैं, उसका तब देखो कि यहाँ पर क्या आता है। जैसे साइन अप का ऑप्शन आ चुका है, क्या करना है यहाँ पर हमने यूज़र नेम डाल देना है। जैसे कि मेरा नाम है सौरभ, तो मैं क्या करूँगा सौरभ 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ भी मैं डाल दूँगा। आप भी आपका नेम का कुछ या फिर कुछ आपका खुद से बना सकते हो, मतलब कि लिख सकते हो। यहाँ पर आप अपना ई मेल डालेगा, जिस ई मेल पर मतलब किसी एप्लीकेशन का सारा नोटिस वगैरह रिसीव होता रहेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपना जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो उस पासवर्ड के यहाँ पर भी डालोगे और वही वाला सेम पासवर्ड को यहाँ पर भी डालोगे। ठीक है, तो सब कुछ हो जाने का तब क्या करोगे, अगर राइट टिक कर दोगे तो राइट टिक हो जाने का तो आपको क्या करना है साइनअप पे क्लिक कर देना। तो चलो मैं सभी को फिलअप कर लेता हूँ, उसका साइनअप पे क्लिक कर देता हूँ। तो फिर देखो, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल लिया है, जैसे मेरा ईमेल और पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल दिया है। जब चलो अब क्या करूँगा, ये बार साइनअप पे क्लिक कर दूँगा। तो सोचिए लोड हो रहा है उसका, दोस्तों क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में, या दोस्तों अब मेरे पास एक ईमेल आएगा। तो चलिए ईमेल को, अब आपको क्या करना होगा, आपके ईमेल पे जाना होगा। जो भी ईमेल आप डालोगे उस ईमेल पे एक कॉन्फर्मेशन लिंक आएगा, अगर वो आने में देर होता है तो आप यहाँ पर रिसेंट पे क्लिक कर सकते हो, अगर वो आ जाता है तो कुछ नहीं करना। जैसे कि मेरे ऊपर कॉर्नर पर देखो तो अभी अभी एक ईमेल आ चुका है, मैं अब क्या करूँगा उस ईमेल पर चला जाता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का आएगा, अब आपको क्या करना है कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस से क्लिक कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस से क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हो कॉन्फर्म हो जाएगा अभी। चलिए सत्य ये आ गया है, मैं अब क्या करूँगी इसे यहाँ पर हटा दूँगा। मतलब कि हमारा जो मतलब कि अकाउंट हुआ अभी एक्टिव हो चुका है। तो इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर चलते हैं लॉगिन वाला ऑप्शन पे और यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे तो यहाँ पर आ चुका है हमारा जो डैशबोर्ड है, अब रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ऐप क्रिएट करना है, उसके बाद हमें ढेरों पैसे कमाना है। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि दोस्तों पैसे कैसे अर्निंग होगा कैसे होगा। आप तो दोस्तों बहुत सारे ऐप देखोगे जिसमें दोस्तों एड्स आता है, गूगल एडसेंस के या फिर एडमूव का। आपको भी मैं ऐसा ही ऐप बना के मतलब कि बना के दिखा दूंगा और आपको भी सिखा भी दूंगा। ठीक है, एकदम फ्री में होगा दोस्तों, कोई भी कॉस्ट वगैरह की जरूरत नहीं, आप बस देखते जाओ। तो चलो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐप पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों इसका फास्ट पार्ट है, ठीक है, आप बस देखते जाओ। तो क्रिएट न्यू ऐप पर क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा पेज लोड होगा, आप बस देखते जाओ। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी प्रोजेक्ट का नेम है, मतलब कि आप जो भी ऐप का नेम रखना चाहते हो यहाँ पर आप डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं वेब टेक ज्ञान। चलो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे तो प्रोजेक्ट नेम सीन वेरिट दिखा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या नहीं डाला, ई मे यूज लेटर्स नंबर स्पेसेस डैश। तो दोस्तों चलते एक छोटा सा नाम डाल देते, जैसे कि एक ही वर्ड में वेबटेक ज्ञान, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देते। आप देखते हैं कि ये वाला नाम अवेलेबल है कि नहीं। तो ये वाला नाम अवेलेबल है, मतलब कि दोस्तों आपके एक ही मतलब कि वर्ड पे आपको डाल देना है एक ही सेंटेंस पे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद सब कुछ आ गया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह दिया गया है। आपका जो ऐप का जो वर्सन होगा, कितना वर्सन रखना चाहते हो, जैसे कि
मैं यहाँ पर रखूँगा 7.0। यहाँ पर आप कौन से मतलब कि प्ले स्टोर से पब्लिश करना चाहोगे, तो मैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसके कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा कैटेगरी का होगा, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो फाइंड कर लेते हैं कुछ म्यूज़िक ऑडियो टाइप का, उसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स अवेलेबल। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ पर लोगो चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना, और आपको आपका जो भी ऐप आप बना रहे हो अगर आपको उसका लोगो है आपके पास तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मेरे तो अभी कोई लोगो बना ही नहीं है, और मैं अभी मतलब कि गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड भी नहीं कर सकता कि दोस्तों उसमें कॉपीराइट आ सकता है। आप क्या करेगा, आपका खुद का एक ऐप का लोगो बनाएगा और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करने का, तो उसे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस ऐप का जो लाइसेंस होता है अगर आप उसे इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, अगर नहीं इनेबल करना चाहते हो तो इसे छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर कस्टम पैकेज का नेम भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डालूँगा। तो अभी के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रोफेशनल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे जाऊँगा, तो चलता है ऊपर में, ये सब काम हो गया। आप क्या करना है, थीम पे चले आना है, ये बता सकते थीम थीम पे चले आना है। थीम पे आने का देख सकते कौन सा वाला कलर रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करने का आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं ऐसा कर दूँगा कुछ। उसके नीचे वाले को ठीक है, अब मतलब कि खुद के स्टाइल का चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कस्टम कर दूँगा, कस्टम करने का तो आप खुद से यहाँ पर मतलब कि कलर का चूज़ कर सकते हो, कौन सा कलर रखना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा कोई बैकग्राउंड का जो इमेज होता है आपका, आप अगर डाल सकते हो मतलब डालना चाहते हो कस्टम पे क्लिक करिएगा। तो मैं अभी के लिए कुछ नहीं डालना चाहते, आप बस कस्टम पे क्लिक करना का तो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना, उसके बाद आपका जो भी गैलरी है वो डायरेक्टली गैलरी पे रिडायरेक्ट होगा। आप वहाँ से आपका जो भी बैकग्राउंड इमेज है आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप डालना चाहते हो। तो मैं अभी के लिए कुछ नहीं डालने वाला है, इसलिए मैं 9 पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर सबके लिए मतलब कि इमेज का ऑप्शन है फ़ोटो का, आप यहाँ से क्लिक करके कस्टम करने का तो यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट है, अगर आप सेकेंड मतलब कि सेकेंड जो पार्ट है वो चाहते हो तो जरूर कमेंट करेगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में ऐप बना के दे दूँगा, मतलब कि बनाना सिखा दूँगा, और ऐसे कैसे अर्निंग वगैरह करना है मैं आपको सब कुछ डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। अगर आप साथ में अर्निंग करना चाहते हो तभी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे तो नेविगेशन भी आपको दिया गया है, और कौन सा नेविगेशन यहाँ पर रहना चाहते हो, जैसे कि मैं टाइटल डाल देता हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पर हाई पर मेरा पहले वाला ऐप का नेम आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टाइटल इसके ऐप का नाम दूँगा वेब टेक ज्ञान, सब टाइटल डालूँगा वेब टेक ज्ञान बेस्ट MP3 प्लेयर। या पर अगर आप कोई भी हेडर का जो इमेज होता है अगर आप डालना चाहते हो मतलब कि ऐसे ऊपर में शो करेगा ऐप का, तो आप यहाँ पर चूज फाइल करके डाल सकते हो, जैसे कि मैं अभी के लिए कुछ नहीं डालने वाला। तो चलते हो यहाँ पर डैशबोर्ड पे, हमारा डैशबोर्ड किस तरह का होगा वो भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलिए शो फास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड हमारा तो होगा, डैशबोर्ड का नेम होगा, डैशबोर्ड का चले दोस्तों नेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि वेब टेक ज्ञान। यहाँ पर कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया, कौन सा कार्ड किस तरीके का होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाले को चूज़ करूँगा। जैसे तो हमारा ऐप किस तरीके का हो गया, यहाँ पर आ चुका है। अब अगर यहाँ पर इसे चेंज करते हो कुछ तो यहाँ पर नीचे मतलब कि चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो, थोड़ी देर वेट करिएगा नीचे चेंज होते सकते, चेंज हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा, थीम किस तरीके का होगा। अब अगर आप चाहते हो यहाँ पर कस्टम थीम भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया, अगर आप ऐसे काला चूज़ कर लेते हो तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके का होगा। अगर आप जो होम वाला आइकन है तो अगर उसे भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कोई दूसरा वाला को यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर
इंसर्ट इमोजिएशन इमोशन, ठीक है। और दोस्तों क्या करना होगा, सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है, जब भी आप नेक्स्ट वाले पेज पे जाओगे, ठीक है। अब जो भी एडिट वगैरह करते हो तो आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये बार डैशबोर्ड का जो नेम ये पर दिखा रहा है, हमें कोई दूसरा नेम डालना पड़ेगा, बल्कि एक ही वर्ड का, क्योंकि डैशबोर्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पर डालूँगा तो ब्लॉग पे चला गया इनका, चलते हैं मेन साइट पे। जैसे कि मैं यहाँ पर डालूँगा वेब टेक ज्ञान, चलो इस सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोजेक्ट अपडेटेड हो चुका है। और दोस्तों आप जो भी मान लो कि इसमें एडिट वगैरह करोगे, आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप सेटिंग्स पे हमने कुछ भी एडिट वगैरह किया, कुछ भी किया, आपको क्या करना होगा, सेव चेंजेस पे बार बार क्लिक करते रहना है, ठीक है। जब आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में स्लाइड करोगे, ठीक है। जैसे तो मैं थीम को भी यहाँ पर सेव चेंजेस कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर एडिट करी थी। तो चलते हैं, अब डैशबोर्ड हमारा एडिट हो चुका है, डैशबोर्ड देख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्टिविटीज़, मतलब कौन सा फीचर हमारा उस साल में होगा। यहाँ पर अगर आप ऐड एन एक्टिविटी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो तो ऑडियो प्लेयर है, बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि अबाउट, आप अबाउट के एक्टिविटी नेम आपके ऊपर डालना है। जैसे कि मैं आपको एक दो चीज़ ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ, अबाउट सब टिटल डिटेल्स अबाउट वेब टेक गैन MP3 प्लेयर, देख सकते हो सब कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कि वो जो अबाउट में शो करेगा, ठीक है। सब कुछ डालने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आने के बाद इसलिए यहाँ पर फेसबुक की URL, मतलब कि फेसबुक का लिंक वगैरह सब कुछ आपके ऊपर फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना होगा। मैंने जैसे कि अभी कुछ भी नहीं फिलअप किया हुआ, इसलिए मेरा शायद अभी हो नहीं सकता, कि हो गया, मैंने जो भी डाला वो हो गया। अब चलते हैं और एक एक्टिविटी को आपको ऐड करके दिखाते हैं, ऐड एन एक्टिविटी। चलिए अब ऑडियो प्लेयर को ऐड करते हैं। तो ऑडियो प्लेयर का हम नाम दे देते हैं MP3 प्लेयर, सबटाइटल MP3 प्लेयर सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डालना होगा, किस तरह का होगा हमारा ऑडियो आइकन, ये बार आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑडियो ट्रैक है, ठीक है। अब चलते नीचे, चले अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, हो गया। चलिए यहाँ पर हमें और भी कुछ डालना है, जैसे कि मैं फिर से डाल देता हूँ ऑडियो प्ले, कुछ भी डाल देता हूँ, मतलब आप दोस्तों जो भी चाहो डाल सकते हो। यहाँ पर अपलोड ऑडियो फाइल, मतलब कि किस तरीके का फाइल यहाँ पर प्ले होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्ट्रीम फाइल फॉर्म URL पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो भी आप URL डालोगे गाने का, तो वो मतलब कि उसे आपको ओपन करने के बाद ही प्ले हो जाएगा। तो अभी के लिए तो मेरे पास कोई गाने का लिंक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बस सेव चेंजेस पे क्लिक करके देखूँगा होता है कि नहीं, वरना मैं किसी भी वेबसाइट का जो लिंक है पर ले आऊँगा। चलिए हमें यहाँ पर एक गाने का नाम डालने के लिए कह रहा है,
तो गाने का एक नाम डाल देते हैं, न्यू MP3 सॉन्ग्स या .mp3। यहाँ पर स्ट्रीम फाइल का लेके रखा रहे, चलो अपलोड फाइल पे। तो मैं चलते मेरा वॉइस साइट पर, वहाँ पर जाके कोई गाने का लिंक को कॉपी करके ले आता हूँ। चलो इसकी वाले को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर जाके यहाँ पर डाल देते हैं, उसका सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। सो यह बस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारा जो गाना रहेगा। आप फिर से चलते हैं प्रोजेक्ट्स पे, एकदम बैक। अब चलते हैं वेबटेक गन पे। तो हो गया हमारा एक्टिविटी सेट। आप भी ऐसे करके एक्टिविटी सेट कर सकते हो। उसका जाएंगे मोनेटाइजेशन। ये जो मोनेटाइजेशन जो दोस्तों टैब है, इसका मैं दोस्तों आपको इस वाले न्यूज़ वाले जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर एड मूव का IP ID डालना है, कैसे आपको ये सब डाल के यहाँ पर एड्स शो कराना है, और कैसे आपकी यहाँ से अर्निंग करना है। ठीक है, मैं आपको ये इसका नेक्स्ट वाले वीडियो पे मतलब कि बता दूंगा। अब बस क्या करेगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। एकदम फ्री में आपको अर्निंग भी होगा, आप मतलब कि ऐप भी बना सकते हैं। चलिए अभी के लिए हम इस ऐप को इंस्टॉल करके देख लेते हैं कौन सा फीचर यहाँ पर आया है। चलो सर्विसेज पे चलते हैं, इससे कुछ हमें एडिट वगैरह नहीं करना। चलते हैं बिल्ड, ये मोनेटाइजेशन वाला जो टैब रहेगा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिल्ड पे चलते हैं। आप यहाँ पर बिल्ड माई ऐप पर क्लिक कर देते हैं। लोड हो रहा है, आप देख सकते हो, यह बता सकते हो आइकन आ चुका है, बींग बिल्ड वी विल ईमेल यू व्हेन इट्स रेडी। मतलब कि जब रेडी हो जाएगा तो ये आपके पास एक ईमेल भेज देगा। तो चलिए थोड़ी देर वेट करूँगा, उसका देखूँगा जो ईमेल आता है। तो अभी के लिए वीडियो को स्किप कर लेते, ईमेल आने का तो आपको दिखा देता किस तरह का हमारा ऐप अभी दिखता है। तो चलिए थोड़ा देर वेट कर लेते। तो मैं देखते तो 10 मिनट बाद हमारे पास कुछ ऐसे ही मेल आ जाता है कि मेरा जो मैंने ऐप बनाया था उसका डाउनलोड लिंक अवेलेबल हो चुका है। इसलिए लिंक 24 आवर्स के लिए रहेगा, मतलब 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए। तो क्या करिए, डाउनलोड ऐप पे क्लिक कर दीजिए आपके ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो डाउनलोड ऐप पर क्लिक करने का तो कुछ ऐसा इंटरेस्ट आ जाता है, तो आपको दिखा देता हूँ। लोड हो रहा है, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ चुका है। क्या करिए, एक बार ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो 7 सुपर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अभी इसे ऐप क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो वेट पे गया, इंस्टॉल हो चुका है। वैसे हमने लोगों नहीं डाला था इसीलिए वो जो एंड्रॉइड मोड का लोग है वही यहाँ पर शो कर रहा है। इंस्टॉल हो रहा है, तो इसे तो इंस्टॉल का आपको क्या करना होगा, पर डाउन पे क्लिक कर देना होगा और यह से सही पेज के हटा देना है। जैसे उन दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एडिटिंग भी स्टार्ट कर दिया है जो पहले वाला 17 मिनट का। तो मैंने वेट कर रहा था कि कभी मिला जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं ऐड कर लूँगा। अभी चलते हमारे ऐप पे जो हमने अभी क्रिएट किया है, तो वेबटेकन कहा गया, जैसे से तो वेबटेकन आ चुका है। तो ये हमारा खुद का ऐप है, आप देख सकते हो, हमने भी बनाया था, आप भी बना सकते हो। उसका कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस आ चुका है। चलो MP3 प्लेयर पे क्लिक करते हैं, और गाना प्ले हो जाएगा अभी। चलिए अभी के लिए हम नहीं प्ले करते हैं, तो एवर पे क्लिक करके देख लेते हैं एवर पेज कैसा है। मैंने कोई नहीं लिखा था इसलिए एवर पेज एकदम मिलती है। आप दोस्तों लिख लीजिएगा, मेरे पास सबको जल्दी से जल्दी दिखाने के लिए सब दिखाते हुए। जैसे डेवलपर मेरा नेम आ रहा है यहाँ पर,
और एंड्रॉइड मोड हो या फिर इसे जे प्लग के इसलिए शो हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे हम इसे मोनेटाइजेशन कर सकते, कैसे अर्निंग कर सकते और ये कैसे इंस्टेशियल और बहुत सारा का जो ऐड होता है इंस्टेशियल जो ऐड कहा जाता है एडसेंस का जो फुल पेज कवर करता है, और कैसे हम इस तरीके का नीचे एक डिस्प्ले बैनर टाइप का भी शो हो रहा है, कैसे इस तरीके का भी एडसेंस कार्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो वो भी हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चैनल के जरिए सब्सक्राइब करते रहे। तो मिलते हैं, बाय।